हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो आज संडे का दिन है और मैं सुबह से ना क्लीनिंग स्टार्ट कर दिया है। और मैं क्लीनिंग के लिए सब सामान ऊपर से नीचे रखा था। बिहान मेरे से लेके ना वो दुकान बनाया है, तो बिहान और बोरुन तो थोड़ा बहुत खेल रहा था, और बोरुन उसके साथ साथ ना किचन में भी ब्रेकफास्ट बना रहा था। तो फूलगोभी और आलू का सब्जी बनेगा और पूरी बनेगा। और इधर ना मैं साथ साथ सब कुछ क्लीनिंग कर रहा था। और दो दो रूम तो क्लीनिंग हो चुका है, यही रूम क्लीनिंग बाकी है, क्योंकि ये लास्ट में कर रहे थे। इस रूम पे ना पूजा होगा, गणेश चतुर्थी का पूजा होगा, तो इसको ना लास्ट में किया है। क्योंकि जितना भी समेट के रखूँगे ना, दो दिन बाद ना थोड़ा मतलब इधर उधर हो ही जाते हैं, तो इसलिए इधर लास्ट में किया है। और बोरुन मार्केट से ना फिश भी लेके आया है। घर के पास से ना बहुत सारा भेड़ा लेके जा रहा था, और एक साथ जाते हैं ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और इधर शॉप में मटन लेने जाते हो ना, तो इसी का मीट मिलता है, बट देख के ना समझ में नहीं आता है। और प्राइस भी एक ही है ना, बहुत कम मटन मिलता है। तो अभी ना पूरी भी बना रहे हो, तो पहले तो सब्जी बन गया है। घर में पूरी रोटी बनता है ना, तो बिहान दो रोटी का आटा वो ही ले लेता है। तो बिहान तो अभी खेल रहा है। तो आटा मैदा मिक्स करके ना बना रहे हो। और बिहान उसका पापा को देखा था, चाकू से काटा था, तो वो अभी वही ट्राई कर रहा है। पूरी जब भी बनता है ना, तो बोरुन और मैं दोनों मिलके बना लेते हो, तो बहुत जल्दी भी हो जाता है, और गैस जो है ना वो वेस्ट नहीं होता है। और बोरुन को चाय भी पीना था, क्योंकि मॉर्निंग में ना चाय नहीं बनाया था, और वो बोल रहा है ब्रेकफास्ट के साथ वो चाय भी पिएगा, तो इसीलिए बोरुन के लिए चाय बना दिया है। ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है, तो बोरुन चाय भी कर पिएगा। तो बोरुन बोल रहा है मेरे को भी चाय पीने के लिए, बोल रहा है ब्रेकफास्ट के साथ चाय बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बट मेरे को चाय नहीं लेना है, क्योंकि मैं चाय मॉर्निंग में पी लेती हूँ ना, तो थोड़ा देर के लिए इन्हें भूख नहीं लगता है, और ब्रेकफास्ट के साथ मेरे को चाय इतना भी अच्छा नहीं लगता है। केरला में दो एक बार मैंने पिया है, केरला में ना ब्रेकफास्ट के साथ ज़्यादा देर लोग ना चाय पीता है। अभी 4 बज गया है, तो हम लोग ना अभी शॉप में जा रहा है, तो थोड़ा बहुत कुछ सामान लेना है, मतलब बर्तन का शॉप में जाएंगे, और पूजा है तो उसके लिए थोड़ा बहुत सामान चाहिए, वही सब लेके आएंगे। तो ना मैं एक पीतल का हांडी टाइप का ख़रीदा है पायसम के लिए, तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब इसका जो वेट है ना बहुत ज़्यादा हेवी है। इसके बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग का टाइम है, तो कल का ना जो पूड़ी बनाया था उसी वही आटा ना बचा हुआ था, तो इसमें तो मैं आटा मैदा मिला के बनाया था ना, तो इसीलिए मैं आज ना उसका परोठा बना रहा है। बोरुन और मेरे लिए परोठे बन रहे हैं, और बिहान के लिए इडली बनेगा, चटनी बनेगा। मूँगफली मैंने ज़्यादा रोस्ट कर लिया है, क्योंकि बाद में भी काम आ जाएगा। और बिहान को ना ज़्यादा फ्रिज का खाना मैं अवॉइड ही करते हो, बहुत ही कम खिलाती हो। और बिहान का ना ट्यूशन का भी टाइम हो चुका है, तो उसका टिफ़िन में मैंने टिफ़िन डाल दिया है। और अभी ना जो पैकेट वाला बिस्किट होता है वो मैं पैकेट करके डाल देती हूँ, खोलती नहीं हूँ, क्योंकि वो नहीं खाएगा तो वो निद्रे भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो एक बार पैकेट से खोल के टिफ़िन बॉक्स में डाल देती हूँ ना तो नरम हो जाता है, तो इसीलिए मैं ऐसे रख देती हूँ अभी।
बिहान के साथ मैं रेडी हो चुका हूँ, तो बिहान को ट्यूशन छोड़ के मैं भी पार्लर चला जाऊँगी। कल यही ड्रेस पहन के गया था, तो वही ड्रेस मैंने आज भी पहन लिया है, क्योंकि ड्रेस तो ऐसे भी धोना ही है। और मैं ड्रेस को एक बार पहन के ना मैं धो के रखती हूँ। और अभी ना मैं बिहान को ट्यूशन छोड़ के ही पार्लर जाती हूँ जब भी जाना हो, क्योंकि बिहान को ले जाने से ना और भी ज़्यादा टाइम लग जाता है। और पार्लर का डिस्टेंस ऐसा है ना, जो ऑटो से जाऊँगी तो बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। ऑटो का जो पैसा है ना, वो लगता है ऐसे बेकार दे रहा हूँ। और पैदल जाऊँगी तो थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस लगता है, बट अकेले जाने में ज़्यादा मेरा टाइम नहीं लगेगा। और पार्लर भी मैं पहुँच गई हूँ।